हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जो है शाम के 6:30 हो रहे हैं और आज बुधवार है एंड आप देख रहे हो कि मैंने अभी शाम को आज हेयर वॉश किया है, क्योंकि आज जो है मॉर्निंग में ना मैं हेयर वॉश करना भूल गई थी और फिर मुझे अभी दोपहर में याद आया कि कल जो है थर्सडे है और थर्सडे को मेरे को हेयर वॉश मैं मतलब नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा कि हेयर काफी ज्यादा जो है खराब भी हो रहे थे, क्योंकि मॉर्निंग में जो है बारिश हो रही थी तो मैं भीग गई थी बिल्कुल बारिश में, तो बाल बारिश की वजह से भी कुछ खराब हो रहे थे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो शाम को ही हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि थर्सडे को नहीं कर पाऊंगी। एंड फाइनली जो है सारा काम निपट चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एंगेजमेंट थी तो वो वाला जो सारा काम है वो निपट गया है। और मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे, गले की बैंड बजी हुई है, बिल्कुल गला खराब हो गया है, क्योंकि इतने दिनों में जो है मतलब खाने पीने का कुछ ऐसा ही सीन रहा, कोल्ड ड्रिंक पी, मिठाई खाई, तो बस वो गले में थोड़ा सा हो जाता है, जब ऐसी चीजें खाओ तो गला खराब हो जाता है। तो फाइनली जो है अब हम लोग फ्री हो गए हैं उस काम से। और अब शादी भी जल्दी है, अक्टूबर में है, सिर्फ 2 महीने है हमारे पास, ज्यादा टाइम नहीं है शादी की तैयारियां करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शादी होगी वो भी हमारे इधर से ही होगी, जैसे एंगेजमेंट हुई थी नोएडा से तो शादी भी नोएडा से ही होने वाली है। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ, क्योंकि मुझे फिर मौका मिलेगा एक बार और व्लॉगिंग करने का। और वैसे तो अगर कहीं भी होती तो भी मैं व्लॉगिंग करती, लेकिन जब यहाँ से होगी तो थोड़ा सा और ज्यादा मुझे टाइम मिल जाएगा ये सब करने का। तो मैं बड़ी खुश हूँ और आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे और शादी के सारे जितनी रस्में होती है हमारे यहाँ और जो भी कुछ होता है शादी के टाइम में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसीलिए जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। तो बातें काफी ज्यादा हो गई हैं क्योंकि मैं टाइम देख रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि अभी हेयर वॉश किया है मैंने तो मुझे चाय पीनी है, क्योंकि गला भी मेरा खराब है। तो मैं किचन में जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए और रात को जो है खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो ये जो दही है थोड़ी सी मैं अलग निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे और दही जमानी है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही अब जो है मैंने डाल दिया है बेसन दही में। और कढ़ी की रेसिपी मैं 2-3 बार अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो कढ़ी बनाने का तरीका जो मेरा है वो सिंपल सा है, लेकिन बस एक ही चेंज है मेरी कढ़ी बनाने में, जो कि मैं तड़का लगाती हूँ वो लास्ट में लगाती हूँ, कढ़ी में पहले नहीं लगाती हूँ। तो ये बेसन मैंने डाल दिया है और इसमें मैं नॉर्मल मसाला है जो नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, वो डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और मिक्स करने के बाद जो है मैं ये जो बैटर बना है बेसन का और दही वाला, इसको कढ़ाई में डाल दूंगी। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है और इस तरीके से जो है मैंने इसको कढ़ाई पे डाल दिया है। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा और यहाँ पर मुझे हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए मैंने और हल्दी इसमें ऐड की है और पानी मैंने इसे डाल दिया है। और अभी पानी थोड़ा सा और डलेगा, क्योंकि कढ़ी पकती है तो उसके बाद जो है कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको अब लगातार चलाऊंगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और आप देख रहे हैं कि इसमें उबाल आ गया है, तो अब जो है मैं फ्लेम जो है गैस की वो बिल्कुल लो कर दूंगी और ये धीरे धीरे पकती रहेगी, करीब 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही पकेगी। और साथ ही जब तक कढ़ी पक रही है तब तक मैं धो लूँगी बर्तन, जो कि दोपहर के बर्तन थे वो पड़े हुए थे सिंक में, तो साथ साथ जो है मैं बर्तन भी धो लूँगी। और वो जो टॉवल है, मैं हमेशा 2 टॉवल रखती हूँ किचन के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि एक टॉवल गीला हो जाता है बर्तन रखते हुए, तो फिर दूसरी बार के जब बर्तन धोते हैं तो दूसरा टॉवल जो है सूखा रहता है। तो इस वजह से 2 टॉवल जो है मुझे रखने पड़ते हैं ताकि पानी नीचे ना आए, क्योंकि अगर मैं टॉवल नहीं रखूँगी और ऐसे ही टोकरी पर बर्तन डाल दूँगी तो जो पानी है वो सारा नीचे आ जाएगा और फर्श गीला हो जाता है। और यहाँ पर जो है मैं फटाफट से बर्तन भी धो लूँगी।
और ये जो प्लेट है इसमें कपड़े हैं वो है भगवान जी के कपड़े हैं, मूर्तियों के कपड़े, तो उनको मैं सिंपल ऐसे ही वॉश कर देती हूँ क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं, वो डस्ट नहीं रहती है, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 दिन पहले जो है हमने ये भगवान जी के जो कपड़े थे वो चेंज किए थे, तो उनको साफ पानी से धोना होता है, इसीलिए मैं उसको वही किचन में ही प्लेट में धोकर और फ्रिज के ऊपर रख दूंगी। कढ़ी यहाँ पर बिल्कुल बन के रेडी है, अब इसमें तड़का लगाना है, तो तड़का सिंपल से मैं मस्टर्ड ऑयल में लगाऊंगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और यहाँ पर जो कढ़ी है वहाँ पर मैं उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ, उससे थोड़ा सा खुशबू अच्छी आ जाती है और कढ़ी खाने में भी अच्छी लगती है। और यहाँ पर जीरा मैंने डाल दिया है, साथ ही इसमें ऐड करूंगी मेथी और थोड़ी सी हींग, और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी लहसुन बारीक कटा हुआ, और हल्का सा जब लहसुन फ्राई हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं उसमें ऐड कर दूंगी कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं इसको जलाना होता है, क्योंकि फिर कड़ी पत्ता को डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है इस वजह से। तो ये बिल्कुल रेडी है तड़का, और इसको अब मैं डाल दूंगी कड़ी के ऊपर, और देखिए कड़ी बन के बिल्कुल रेडी है। और क्योंकि अब जो है कड़ी मैंने बना ली है, रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी, तो अब बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि अब अगर मैं इनके साथ नहीं बैठूंगी तो ये अपने आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं, तो इनके साथ मुझे बैठना पड़ता है। और वंशिका के टेस्ट चल रहे हैं, इस वजह से उसको भी मुझे बैठ के रिविजन कराना होता है, वो अपने आप नहीं करती है। कोई भी बच्चा होता है उनके साथ बैठना ही पड़ता है, वरना उनका ध्यान है जो इधर उधर बातों में लग जाता है, दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं, तो इसीलिए मुझे बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं वंशिका से पूछ रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स, जो भी उसका टेस्ट है, और ये उसका लास्ट टेस्ट है, तो इस वजह से मैं उसे उसका रिवीजन करा रही हूँ। और वेदांश को होमवर्क मिला है, तो वो साथ ही अपना होमवर्क कर रहा है। और बच्चों के साथ जरूरी होता है बैठना। हेलो, तो अभी बज रहे हैं रात के 9:15, और डिनर बनके रेडी है, मतलब पूरा रेडी नहीं है, सिर्फ अभी डिनर में, मतलब आज मैंने कढ़ी बनाई है, तो रोटियां तो मैं बाद में बनाऊंगी, तो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, क्योंकि अभी जो है ये नहीं आए हैं ऑफिस से, और हम लोग खाना जो है साथ ही खाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो है पहले अपनी ये जो अलमारी है ना ये ठीक कर लेती हूँ मैं। देखिए तो बिल्कुल हाल इसका बहुत ज्यादा खराब है, नॉर्मली मेरी अलमारी ऐसी रहती नहीं है, बट ये हुआ इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ फंक्शन था, और उस टाइम पे ऐसा था कि जो कपड़े जैसे निकाले बिल्कुल ऐसे ही रख लिए, फुर्सत नहीं होती है कि बिल्कुल उसी तरीके से रखें ठीक करके, तो क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो ऐसा था, बार बार अलमारी खुलती थी, कुछ सामान निकालना होता था, तो इस वजह से जो है अलमारी के बहुत ही ज्यादा जो है बुरे हाल हो गए हैं। फिर भी जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला अलमारी का, तो ये मैंने फिर भी अभी परसों ठीक कर लिया था, बट जो नीचे का है बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है, तो चलिए मैं फटाफट से इसको क्लीन कर लेती हूँ और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे 2 अलमारी और हैं, वो भी मतलब मेरे को सेट करनी है, क्योंकि वो भी बिल्कुल उनका भी यही हाल हो रखा है, तो देखती हूँ कि अगर मुझे टाइम मिलेगा आज ही तो मैं आज वो कर लूंगी, अदरवाइज कल या परसों में मैं करूंगी। तो फिलहाल आज पहले मैं अपनी अलमारी सेट कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो है और की अलमारी सेट करूंगी, तो चलिए फटाफट से काम कर लेती हूँ मैं ये वाला। तो यहाँ पर जो है मैं सारे कपड़े जो है अभी हटा दूंगी, यहाँ से सब कपड़े नीचे रख दूंगी, क्योंकि इनको मुझे दोबारा से इनका फोल्ड करना है एक एक करके और अच्छे से लगाना है। अलमारी बहुत ज्यादा मैसी थी और कपड़े भी नहीं मिल रहे थे मुझे, इस वजह से मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना था। तो सारी जितने भी मेरे टॉप है, लेगिंग है, सूट है, वो सब मैं अलग अलग रखूंगी ताकि मुझे एकदम से मिल जाए जब भी मुझे जो भी कपड़ा पहनना हो। तो यहाँ पर जो है मैंने रख दिए हैं अपने सारे टॉप सूट और अपनी लेगिंग्स जो भी थी मेरी, और लोअर टी शर्ट्स, और ऊपर का पोर्शन ठीक हो गया है, अब मैं लास्ट का पोर्शन ठीक कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैं बेडशीट रखती हूँ अलमारी में, तो ये नीचे का जो पोर्शन होता है यहाँ पर मैं बेडशीट रखती हूँ, तो बेडशीट भी इधर उधर पड़ी हुई थी, तो उनको भी मैं फोल्ड करके अच्छे से रख रही हूँ उनकी जगह पर।
और यहाँ नीचे पे जो है मेरी कुछ साड़ियाँ भी थी क्योंकि मैंने निकाली थी पहनने के लिए, तो वैसे ही रखी थी। और यहाँ पर जो एक दो साड़ियाँ मेरी बाहर निकली हुई थी तो इनको मैं अच्छे से हैंग कर रही हूँ अलमारी में। और जो एक आधी मेरी ड्रेस थी उसको भी, वैसे मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं मैं उसको अलमारी में नहीं रखती हूँ, बेड के अंदर रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बाहर निकली हुई थी तो मैंने इनको यहीं पर हैंग कर दिया है। और यहाँ पर इस तरफ जो है दवाई का जो बॉक्स होता है वो है, और मेरा जो ज्वेलरी बॉक्स है ये सब है, और थोड़ा बहुत जो मेरा सामान होता है मेकअप का और सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो है अलमारी बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो चुकी है और मैंने एकदम अच्छे से इसको ठीक कर लिया है, तो मेरा एक काम जो है वो आज पूरा हो गया है। और मैं आ गई हूँ अब किचन में रोटी बनाने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे अलमारी ठीक करते करते, तो और ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है रोटियाँ बना रही हूँ। और रोटियाँ बनाते बनाते ही मैं आज के व्लॉग का एंड भी करूँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर रोटियाँ बनाने के बाद हम लोग करेंगे डिनर, तो चलिए व्लॉग का एंड करती हूँ मैं। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।